सही व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। तो लेके आ चुका आप लोग ले स्किल बैच इन वन गो की एक और नई वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में एक और पूरा का पूरा स्किल बैच कंप्लीट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आपके लिए हम लोगों ने कम से कम 5 स्किल बैच अपलोड कर दिए ऐसे, जिसके ऊपर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। आई होप इसी पे भी आप आगे ही ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते रहोगे। तो हम चलते सीधे नए स्किल बैच पे, जिसका नाम है गेट स्टार्टेड विद इवेंट्रिक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। साइन इन कर लेना अपनी आईडी से। सबसे पहले अपनी पहली लैब को कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट लैब पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो स्टार्ट लैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा पासवर्ड। तो अगेन पासवर्ड को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करके आपको ओपन कर लेना है इसको इनकॉग्निटो मोड के अंदर। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के बाद यूजर नेम आप लोगों के लिए लिखा जाएगा, एंटर प्रेस कर देना। पासवर्ड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना है। एंड उसके बाद एंटरस्टैंड काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है, नहीं आए इग्नोर इट, एंड आए तो कोई बात नहीं है, ऐसा जैसा मैंने करा कर देना। अंदर जाके एग्री एंड कंटिन्यू भी काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है, नहीं आए इग्नोर इट, आ जाए तो जैसा मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसा ऐसा आप भी करना, आपका जो काम है वो डन हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो है मैं अपने क्लाउड शेयर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने साइज इंक्रीज कर दिए अगेन, एंड कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगेन मैं आ जाऊंगा बैक। बैक आके जो है फटाफट इस लैब के फुल नेम को कॉपी करूंगा, आ जाऊंगा मेरे गेटअप पे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। गो टू फाइल पे क्लिक करना है, इसको पेस्ट करना। एंड अब आपको क्या करना है, मेक श्योर करके पब स्लैश को रिमूव करना है और स्पेस देना है। तो यहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी, इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। एंड बेसिकली कॉन्सोल वाली है, हाँ ठीक है, कमांड लाइन वाली है बेसिकली। तो कमांड लाइन और कॉन्सोल दोनों सेम ही वर्क करेगी, दोनों में सेम ही चीज परफॉर्म करनी है। तो कॉपी इट, नो इश्यू। ओके नाउ आपको आ जाना है अगेन बैक। बैक आके अपने इस लैब पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ऑथोराइज करने का ऑथोराइज पे क्लिक कर देना और या आपका जो काम है वो डन हो जाएगा। अगेन आपको आ जाना है बैक। बैक आ जाना है, यहाँ पे हमने पब से टॉपिक सब्सक्रिप्शन दोनों ही क्रिएट कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमने चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करा, क्या लड़ास कंप्लीट हो रहा है एंड अभी क्रिएट हो रहा है। ओके सो यहाँ पे हम फिर से चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे, डन। एंड नीचे सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है तो इस पर फिर से चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन भी क्रिएट हो जाएगा। अगेन अपडेट होने में टाइम लेता है तो आपको बार बार चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे डन। आई थिंक आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी लैब में, यहीं पे ये लैब ओवर होती है। सो इसको हम नॉर्मली एंड लैब पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एंड लैब पे क्लिक कर देंगे, नाली लैब कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड ये लैब कंप्लीट हो जाएगी। जब तक ये हो गई, टिक मिल चुका है, इसको मैं नॉर्मली कैंसिल कर दूंगा, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। नाउ चलते हैं अपने सेकंड लैब, जिसका नाम है क्लाउड फंक्शन सेकंड जैन क्विक स्टार्ट का। तो इस लैब में काफी सारे लोगों को इश्यू आ रहा था और अब तक मेरी पुरानी वीडियोस पे भी अभी तक इश्यू आ रहे हैं। चलो इसको भी आज इस वीडियो में सॉल्व करते हैं फटाफट। तो हमने जो है यहाँ पे अपने इस लैब को स्टार्ट कर लिया। मैं पासवर्ड को कॉपी करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में आगे ओपन करके मिलता हूँ। ओके सो यहाँ पे हम आ चुके अपने कॉन्सोल में। यहाँ पे आके मैं क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेता हूँ, इसकी साइज जो है मैं इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है। एक बार ओपन कर लेता हूँ, ओपन नहीं हो रहा है, क्या इशू हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है। रिफ्रेश करते एंड देखते हैं, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लाउड कॉन्सोल ही ओपन नहीं होना चाहता, गजब। एंड या आई थिंक अब हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लाउड शेल ओपन हो चुका है एंड या पहली एरर हमने यहीं पे सुलझाई है, देख लो इस लैब में कितनी एरर है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद अगेन इसको हल्का सा मिनिमाइज करता हूँ। नेविगेशन मेन्यू पे जाऊंगा, एपीआई एंड सर्विसेज के नीचे आपको आईएमएस एडमिन्स दिख रहा होगा, इस पर आपको जो है अपना माउस लेके आना है। यहाँ पे आके आपको ऑडिट लॉक पर टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑडिट लॉक को ओपन कर लिया है एंड ऑडिट लॉक को ओपन करने के बाद हमें दूसरी चीजों को परफॉर्म करना है, जिसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मेक श्योर करके आप उसको फॉलो करना प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं इसको हाइड इन्फो पैनल पे क्लिक करता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ। सो यहाँ पे आपको जो है सर्च करना है तो फिल्टर में आके कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट इंजन एपीआई, ये दिख रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है, ओके। एंड देन इसको भी आपको चेक करना है और इसको देन सेव पे आपको टैप कर देना है। ये हमने कर दिया है, अगेन चेंजेस सेव लिखा आ चुका है। अब मैं इसकी साइज इंक्रीज कर दूंगा, अगेन मुझे आना है बैक, इस नेम को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद अगेन हम आ जाएंगे अपने इस चीज पे, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये न्यू क्लाउड फंक्शन सेकंड जेन पे आपको टैप करना है, ठीक है। इसको टैप करने के बाद आपको इस जोन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस जोन को कॉपी करने के बाद अगेन आना है आपको लैब पे, इसको आपको यहाँ पे आके पेस्ट करना है, अपने व्हाइट स्पेस को इधर लेके आना है। अगेन इधर जाएंगे, लैब पे जाएंगे एंड ओके मैं गलत लैब पे आ गया। यहाँ पे हमें ओके सेकंड टास्क पे हमें टैप कर देना है, नीचे स्क्रोल करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें अपना जोन फाइंड आउट करना है, बेसिकली जोन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो कंट्रोल एफ करके जोन डायरेक्टली सर्च करेंगे अब से एंड यहाँ पे जो है आपको जोन दिख जाएगा, आपको उस चीज को कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया है, अगेन मैं इस साइड पे आऊंगा एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आपके जोन अलग होंगे, मेरे अलग है, तो मैंने जो इसको कॉपी कर लिया है, लास्ट में कॉपी भी मतलब आ चुका है, तो मैं इसको ऐसे रिमूव करूंगा एंटर दबाऊंगा।
तो मेक श्योर कि आप ये सही चीजों को ध्यान रखना। अगेन आना है आपको इस पर्टिकुलर लैब के अंदर, एंड जहां तक मैं कॉपी कर रहा हूँ वहां तक आपको अभी कॉपी करना स्टार्ट करना है। ओके सो यहाँ पे आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अभी भी कॉपी करते जाना है। हल्का सा ऊपर स्क्रोल करना है आपको, हल्का सा, ठीक है, यहाँ तक आपको फुल्ली कॉपी करना है, ठीक है, और हल्का सा ऊपर स्क्रोल करेंगे यहाँ तक, ओके यहाँ तक, एंड इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ओके सो यहाँ पे जो है इसको मैंने ऑथराइज पे क्लिक कर दिया है, इसको स्टार्ट हो जाने देना, ऐसा आएगा तो आएगा, काफी लोगों को, काफी लोगों को नहीं आएगा, नहीं आएगा इग्नोर करना, एंड इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना। ओके सो अगर आपको कुछ इस तरीके की एरर्स अगर शो होने लग जाए मेरी तरह ही, तो आपको जो है इसको चलने देना है, इसको बंद नहीं करना है। तब तक आप से बैक सीधे टास्क वन पे आओ, नीचे स्क्रॉल करने स्टार्ट करो, एंड टास्क टू पे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करने स्टार्ट करो, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो क्या टास्क टू कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैं देखना है कि मैं कहां तक टास्क कंप्लीट हो चुका है। टास्क थ्री आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बकेट वाला टास्क है, इसको हम टेस्ट भी कर लेंगे तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो आई थिंक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करते हैं। ओके तो क्लाउड फंक्शन, ओके क्लाउड स्टोरेज फंक्शन ही क्रिएट करना है जो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है इसको एक बार हो जाने देना, ऐसी दो एरर आएगी इसको इग्नोर करना, वेट करना, इसको एग्जीक्यूट होने देना। ओके सो ये वाली कमांड फाइनली एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसने कम से कम एग्जीक्यूशन में लिए 10 से 15 मिनट, तो आपको भी उतना वेट करना पड़ेगा। अब चेक में प्रोग्रेस पर क्लिक करो क्या हमारा फंक्शन क्रिएट होता है, फिर से चेक में प्रोग्रेस पर क्लिक करो क्योंकि अपडेट होने में टाइम लेता है, ठीक है। अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोर्थ टास्क के अंदर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाना, करते जाना, करते जाना, और करते जाना, एंड चेक में प्रोग्रेस, ये वाला टास्क हमारा कंप्लीट होता है, हमने ऑडिट लॉग क्रिएट कर दिया है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस पर चेक में प्रोग्रेस पर क्लिक करते क्या वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। सो या वर्चुअल मशीन भी क्रिएट हो चुकी है। टास्क फिफ्थ पे आ गए हैं हम, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, करते जाएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, डिप्लॉय डिफरेंट रिवीजन कलर हो चुका है क्या। सो या डन, टास्क सिक्स पे आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते करते जाओ, करते जाओ, एंड चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो क्या अगला टास्क कंप्लीट हो रहा है। सेटअप मिनिमम इंस्टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको आई थिंक और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पूरी लैब के अंदर। ओके ओके एक और टास्क है तो इसको भी कर लेते हैं, क्रिएट अ फंक्शन विद कॉन्करेंसी। ओके स्लो कॉन्करेंट फंक्शन ने कर दिया है डिप्लॉय, सो आप चेक कर सकते हो यार, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये नहीं हुआ है, एंड बोल रहा है कि हमने स्लो कॉन्करेंट फंक्शन नहीं करा है। डोंट वरी, अगेन आ जाओ अपनी इस पर्टिकुलर लैब पे, हमें वापस से एरर आ रहा है, तो हम जो है इस पर्टिकुलर कमांड को अब आपको कॉपी कर लेना है, एंड फुल्ली आपको ए टू जेड जहाँ तक ये जा रहा है इस फुल्ली चीज़ को कॉपी कर लेना है, एंड देखो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे स्लो कॉन्करेंट फंक्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम सीधे इस चीज़ को ही कॉपी कर लेते हैं, पूरा भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ओके इतने पार्ट को कॉपी कर लूँ, एंड अगेन आ जाओ इधर, एंड पेस्ट करो, एंटर दबाओ, तो ये हमारा स्लो कॉन्करेंट फंक्शन भी बना देगा। इस लैब में एरर है और इस लैब में टाइम लगेगा, इसलिए मैं फुली रेडी था इस चीज़ के लिए। सो यार अलाउ अनऑथेंटिकेट इन्वोकेशन स्लो कॉन्करेंट फंक्शन, तो आपको वाई लिखना है, एंटर दबाना है, एंड इसको जो है क्रिएट हो जाने देना है आपको कंप्लीटली। ओके अगर ऐसा है तो कंट्रोल सी दबाना, ठीक है। अगेन आपको आ जाना है बैक, बैक आके एक काम करते हैं, हम इस पूरे के पूरे कोड को ही रन करते हैं। ओके सो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं जो है क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे कोड को ही आखिरी तक कॉपी कर लूँगा, एंड या ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी लैब पे अगेन, एंड पेस्ट करके एंटर दबाते हैं, इसको जो एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना, लेगा थोड़ा बहुत टाइम, और जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है हम जो है आगे वीडियो में मिलते हैं। अगर ऐसी एरर है तो इस एरर को इग्नोर करना, नो इशू, ठीक है। एंड या एरर हमारी हो चुकी है डन, अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक बार देखते ही क्या हमारा कॉन्करेंट फंक्शन बना है, क्या डिप्लॉय हुआ है क्या, एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे जो है स्लो कॉन्करेंट फंक्शन को हमें पर्टिकुलर चीज से डिप्लॉय पे टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको डिप्लॉय पे हम क्लिक कर रहे हैं, एंड देखते हैं ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो या अगेन इमेज यूज इन दिस वर्जन इज नॉट फाउंड। ओके सो यार इधर ही आते, अगेन लैब पे आते, एक बार फिर से चेक माई प्रोग्रेस पर क्लिक करके देखते क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके सो अगेन हमें ऊपर स्क्रॉल करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दिए गए टास्क से ही लैब कंप्लीट कर लेंगे, एंड देखते क्या ये वर्क करती है कि नहीं करती। ओके तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद अगेन इस साइड पर आऊँगा, ओके साइड पर आऊँगा, एंड अगेन इस साइड पर आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा, एंड या देखते ये वर्क करते कि नहीं। एरर आ रही है, क्रिटिकल फंक्शन इज फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है नो इशू। ओके इसको कॉपी करो, एंड इधर आओ, पेस्ट करो, एंटर दबाओ। ओके तो ये हमारे पास आ गया है, एंड टोटल समरी हमारे पास नहीं आई है, ठीक है, आउटपुट मैच नहीं कर रहा है इससे। अगेन हमें इस चीज़ को कॉपी करना है, एंड इधर आना है और पेस्ट करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये फंक्शन है, बट या हमें कैप्स लॉक दबाना है, वाई लिखना है, एंटर दबाना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है स्लो फंक्शन डिलीट होगा नाउ। अब हमें इस चीज़ को कॉपी करना है, अब हम जो है इस चीज़ को कॉपी करने के बाद अगेन आ जाएंगे इस पर्टिकुलर लैब के अंदर, एंड अगेन इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी फाउंड नहीं हुआ इधर। सो अब आई थिंक ये वर्क कर जाएगा,
देखते हैं क्या होता है, अभी एरर आया जो भी होता है, समझते हैं इसको कैसे क्या रन करना है, क्या करना है। एंड एरर आ गई, कुड नॉट क्रिएट स्लो कॉन्करेंट फंक्शन, रीडब्ल्यू द फंक्शन विद अ डिफरेंट नेम। ओके, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम फंक्शन बन चुके हैं, तो इसको हमें डिलीट भी करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएटेड फंक्शन जो है इन सबको जो है हम डिलीट करेंगे एक एक करके। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं बैक आ जाता हूँ एंड एडिट डिप्लॉय एंड न्यू रिविजन पे हम क्लिक करते हैं। मैं बैक आता हूँ इधर से। ओके, एंड यहाँ से सर्विस डिटेल से भी बैक आना है। देखते हैं जो भी फंक्शन हमारे बने हुए हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होगा, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके। तो सेम नेम का जो फंक्शन था जो प्रॉब्लम क्रिएट करता अभी सबके लिए, वो डिलीट हो गया है यहाँ पे। सो अब हम क्रिएट करेंगे वापस से सेम कमांड के साथ। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पाएंगे, और ये लैब है इतनी एरर वाली तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड आई थिंक सो अब हमें यार एरर नहीं मिलेगी कि आप डुप्लीकेट या सेम फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएटेड है हमने, क्योंकि वो डिलीट कर दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड देखते हैं इस बार ये वर्क कर जाएगा। प्रिपेयरिंग फंक्शन तो हो रहा है, प्रिपेयरिंग भी हो रहा है, डेप्लो होना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो या वी आर गुड टू गो फॉर द फर्दर कमांड्स। ओके, नाउ हमें सेट करनी है कॉन्करेंसी, तो हमें बोला गया क्लाउड फंक्शन के, क्लाउड रन के अंदर जाओ एंड वहाँ पे क्लिक करो स्लो कॉन्करेंट फंक्शन सर्विस को एंड वहाँ पे क्लिक द रिविजन एंड टेस्ट विद द कॉन्करेंसी। तो हमें टेस्ट भी करना पड़ेगा। ओके, सो हम क्लाउड रन पे ही है ऑलरेडी, तो ये एक बार क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो हम क्लाउड रन के अंदर हमें जाना है, तो क्लाउड रन ये रहा। अब मैं जरा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा स्लो कॉन्करेंट फंक्शन। ठीक है, वेट करो इधर, क्योंकि वो क्रिएट हो रहा है तो ये टाइम लेगा। ओके, सो यहाँ ये अभी क्रिएट ही हो रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो डेप्लो हो रहा है एंड ढेर सारा पता नहीं ऑटोमेटिक एरर है क्या है, बट ये इसकी वजह से ही आया है। कुछ एरर आई क्या, आई थिंक नहीं आई है। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक सर्विसेज बिल्डअप हो रही है, तो ये सबको नहीं आएगा ये, मे बी अभी मैंने कौन सा ऊपर नीचे करा उस वजह से हो गया है। एंड थोड़ा सा वेट करना आप लोग, तब तक हमारा फंक्शन यहाँ पे शो होने लग जाएगा एंड इसको रिफ्रेश करते ना, जैसे यहाँ पे आपको फंक्शन शो होने लग गया, ये हो गया फंक्शन शो, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, आप बैक आ जाओ एक बार, नीचे जाके फिर से टेस्ट कर लो कि क्या हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमने डिप्लॉय तो कर ही दिया है। एंड या अब हमें बोला गया कि हमें सेटअप करना है इस चीज़ को, तो या हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें सारी चीज़ें परफेक्ट कर रहे हैं। अब हमें एडिट एंड डेप्लॉय एंड रिविजन पे जाना है, रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाना है, सीपीयू को वन करना है और मैक्सिमम पर इंस्टेंस को 100 करना है। कोई नहीं, एडिट एंड डेप्लॉय न्यू रिविजन पे चले जाना है। ओके ग्रेट, नीचे स्क्रोल हो जाएंगे एंड यहाँ पे जो है आपको और नीचे जाना है, और नीचे जाना है, इसको कर देना है आपको 100, मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को 100। ओके एंड आई थिंक मैक्सिमम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट ये था, सीपीयू टू वन करना है, रिसोर्स के अंदर जाके हमें सीपीयू टू वन करना है कि कितना है, इसको वन ही कर दो यार वापस। आई थिंक रिक्वेस्ट है यार ये, हमें सीपीयू के अंदर जाना है, सीपीयू मैं कहाँ देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सेकेंड क्या बोला गया है, हमें रिविजन डेप्लॉय में जाना है अंडर द रिसोर्स सेक्शन, सीपीयू का हमें वन सेट करना है। तो यहाँ पे एडिट के अंदर सेटिंग्स वॉल्यूम, ठीक है रिसोर्स सेक्शन ये रहा, यहाँ पे सीपीयू को जो है हमें वन सेट करना है, तो ये मैंने वन कर दिया। ठीक है, नाउ हमें नीचे स्क्रॉल करना है, अब मुझे क्या बोला गया है, अब मुझे बोला गया है यहाँ पे इसको हमें 100 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ ये हमने 100 कर दिया, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, एंड अब हमें बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस टू 4 कर देना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑटो स्केलिंग में हमें 4 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 कर देना है। ओके एंड देन डेप्लॉय पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है, आपका जो काम है वो डन हो गया, ये फिर से डेप्लॉय होगा। और अब हम टेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड इधर आएंगे, एक बार ये डन हो जाए, इस पर टिक लग जाए, वैसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, इसको एक बार 100% हो जाने देना। जैसे कि आप देख सकते हो 100% हो चुका है एंड अगेन हम आ जाएंगे बैक एंड इधर आके पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे एंड अगेन आ जाएंगे हम इस साइड पे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड अगेन इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे
एंड ये वर्क कर जाएगा प्रिटी गुड प्रिटी वेल। ठीक है, अब चेक में प्रेस पर क्लिक करो, हमारा जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड याली लैब फाइनली इतनी मशक्कत के बाद हमने जो है कंप्लीट कर लिए। आप जो है नॉर्मली एंड लैब पे क्लिक कर दो, एंड लैब पे क्लिक कर दो एंड चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बोला ये वन गो वाली वीडियो है, तो जितनी भी एरर आएगी आपके सामने सॉल्व होगी, जिससे आपको समझ में आए कि भैया सही में एरर सॉल्व होती है। ठीक है, ऐसा नहीं रहता कि बस बैठे रहो एरर के लिए, नहीं आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट लैब को करते हैं इवेंट्रिक फॉर क्लाउड रन, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन, है ना, एंड पासवर्ड को कॉपी करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कॉन्सोल ओपन कर लिया, यहाँ पे आके मैं क्लाउड शेल की जो है चीज को ओपन कर लेता हूँ, साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। ओके, नाउ अगेन आपको आ जाना है बैक, कॉपी द लैब नेम। ठीक है, अगेन आ जाना है आपको अपनी पर्टिकुलर चीज पे, सर्च बार में इसको आपको पेस्ट करना है एंड यहाँ पे इवेंट्रिक फॉर क्लाउड रन पे टैप कर देना है। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे आपको फटाफट इस रीजन को कॉपी कर लेना है एंड इधर आना है, पेस्ट करना है, अपना वाइट कर्सर इधर लेके आना है, अगेन बैक जाना है, फर्स्ट वाले टैब पे जाना है, फर्स्ट वाले टास्क पे जाना है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको रीजन दिख जाएगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है, अगेन आपको इस साइड आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, अगेन आपको आ जाना है बैक, आ जाना है अपने लैब पे एंड फटाफट इस चीज को आपको जो है ए टू जेड कॉपी कर देना है एंड इधर आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो, ऑथोराइज करने का ऑथोराइज पे क्लिक कर देना। जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सर यहाँ पे जो है हमारी लैब कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह की चीजें आ चुकी है। अगेन हमें आ जाना है बैक, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके टास्क टू में आगे चेक माई प्रोग्रेस, चेक माई प्रोग्रेस करके आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। टास्क थ्री पे चलते हैं फटाफट, नीचे स्क्रॉल करते हैं, टास्क फोर पे आ जाते हैं, चेक माई प्रोग्रेस पे आपको टैप कर देना है, यार जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा। टास्क फिफ्थ पे चलते हैं, यहाँ पे आपका चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना है, आपको यार जो टास्क है भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड या आगे आपको आई थिंक एक और टास्क है, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, अगेन अपडेट होने में टाइम लगाएगा तो डोंट वरी। तो या एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे और कुछ है क्या तो वो भी देख लेते हैं। सो एक और टास्क है यहाँ पे, चेक माई प्रोग्रेस पे हम क्लिक कर देते हैं एंड अगेन ये बोल रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, श्योर ओके, हमने अभी तक वो लास्ट वाली कमांड पे क्लिक नहीं करा है, तो कंट्रोल दबाना एंड सो आपको अब आ जाना है। सो हम आ चुके इस लैब पे, अगेन आपको नीचे मिनिमाइज करना है, नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जो है बकेट 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 क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करना है। क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस टाइप का जो है ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको एक सेकेंड इतनी सही चीज़ है तो इसको क्लोज कर दो एंड यहाँ पे भी इस चीज़ को क्लोज कर दो। इस चीज़ पे आओ, इस चीज़ पे आने के बाद आपको जो है ये अगर अंदर से एम्प्टी दिखे कुछ इस तरीके से random.txt से हमें दिख रहा है चीज़ें, अब आपको आ जाना है अपने नॉर्मल विंडो के डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, कुछ भी आप डाउनलोड कर लो एंड नो इशू, फर्क नहीं पड़ेगा इधर आके। मैं जो है कुछ भी एक नॉर्मल txt बनाता हूँ, न्यू यहाँ पे txt फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ txt एंड एक काम करता हूँ रैंडम एंड txt हटा देता हूँ क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट txt रहती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ओपन हो चुकी है एंड हेलो btechie हियर। ओके, सेव करो एंड इधर इसको बंद कर दो। अब क्या करो, इस रैंडम को डिलीट कर देंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से आई थिंक इधर से डिलीट हो जाएगा ये मैंने सिलेक्ट करा, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, नॉट इन बिग इशू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हम अपलोड करेंगे अपने डेटा को अगेन, तो मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद अगेन ये रैंडम वाली फाइल लिख रही होगी, इसको हम ओपन कर देंगे और अपलोड कर देंगे। तो अपलोड स्टार्ट लिखा चुका है, यहाँ पे एक और बार यही फाइल आ जाएगी एंड अब देख सकते हो यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। ठीक है, अगेन इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, क्या ऑडिट लॉग में ट्रिगर हुआ इवेंट। ठीक है, हमने अभी कर तो दिया है, पता नहीं ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा है। या ट्रिगर हो चुका है, ग्रेट। तो लेता है थोड़ा बहुत टाइम, आप कुछ इस तरीके से लैब को भी कंप्लीट कर सकते हो एंड लैब पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। ओके, सो लैब भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, टिक मिल चुका है, नेक्स्ट लैब पे चलते हैं। लैब को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं, इस लैब का नाम है गेट स्टार्टेड विद इवेंट ट्रिक चैलेंज लैब, लास्ट लैब है इस पूरी स्किल बैच की एंड यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है एंड हमारे सामने जो लैब ओपन हो जाएगी। पासवर्ड को कॉपी करके मैं आपको कॉन्सोल को इनकॉग्निटो में ओपन करके मिलता हूँ। तो हम आ चुके अपने क्लाउड कॉन्सोल पे, अगेन मैं क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेता हूँ, साइज जो है इसके आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूँ एंड इधर से नेविगेशन मेन्यू को बंद कर देता हूँ। ये ओपन हो रहा है, कंटिन्यू का ऑप्शन आया, क्लिक कर देना, अगेन बैक आना, इस लैब के नेम को कॉपी कर लेना, कॉपी करके आना है अपने इस पर्टिकुलर गेटअप पे, पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैब का सॉल्यूशन, क्लिक कर देना है इस पे, अगेन इस चीज को कॉपी करना है आपको, अगेन आ जाना है अपने इस क्लाउड शेल पे। ये ओपन हो रहा है, जब तक ओपन हो रहा है बैक आओ, सीधे लैब पे आओ, कंट्रोल एफ दबाओ एंड यहाँ पे रीजन पे सर्च करना स्टार्ट करो कि रीजन कहाँ मिलेगा। तो रीजन ये रहा,
यहाँ पे मुझे मिल चुका है, यहाँ पे आया मैं एंड यहाँ पे हमारा अभी भी ओपन हो रहा है। अब बहुत देर तक अगर ये ओपन ही होते रहे तो इन तीन डॉट्स पे क्लिक करना, इम्पेरल मोड पे क्लिक करना, इसको अनेबल पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं, क्योंकि प्रोविजनिंग होते रहेगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर इसमें एरर आई तो आपको वेट करना है, ये थोड़ा बहुत टाइम लेके इन्फेरिकल मोड में ओपन होगा एंड देन आपका ये चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्फेरिकल मोड है, कोई इशू की बात नहीं है। एंड यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करा, व्हाइट कर्सर को इधर लेके आए एंड अगेन इस साइड आए। अब मैं अपना रीजन को कॉपी करता हूँ, आप अपने रीजन को कॉपी करना एंड इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ओके, नाउ आपको आ जाना है बैक, आ जाना है अपनी स्लैब पे एंड यहाँ से आपको फुल कोड को कॉपी कर लेना है एंड इधर आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ऑथोराइज करने का ऑथोराइज पे क्लिक कर देना और इसको बन जाने देना। जैसे ये बनता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बीच में ही कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो एपीआई एनेबल करके, तो वाई लिखना एंड एंटर दबा देना और अगेन इसको चलने देना जब तक ये रन कर रहा है। ओके, सो यार यहाँ पे अगेन आपसे पूछेगा कि आप रिटाइ करना चाहते हो, आपके एपीआई एनेबल नहीं है, तो आपको वापस से वाई लिखना है, एंटर दबाना है। ठीक है, और अगेन इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है। तो यहाँ पे जो है पूरा कमांड रन हो चुका है, अगेन आपको आना है बैक, आना है अपने लैब पे, सीधे नीचे स्क्रोल करना है, स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे चेक माई प्रोग्रेस पे क्लिक करना है, क्या लेट अस कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड। टास्क टू पे क्लिक करेंगे, क्या लेट अस कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, टास्क थ्री पे चेक माई प्रोग्रेस पे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी इशू के। ठीक है, सो यहाँ पे अपनी पूरी लैब कंप्लीट होती है। अब मैं आपको शो कर देता हूँ हमें बैच मिला है कि नहीं, और ये वाला बैच हमें मिलेगा आज के दिन, तो चेक करते हैं। ये मैंने कैंसिल करा, यहाँ पे आता हूँ अपनी प्रोफाइल पे, पब्लिक प्रोफाइल पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें आज ये वाला बैच भी मिल चुका है, गेटिंग स्टार्टेड विद इवेंट ट्रिक। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने पहले की वीडियो चेकआउट नहीं करी है चेकआउट कर लेना, 5 बैच ऑलरेडी आ चुके हैं, ये छठा बैच है, आने वाले दिनों में और भी हम बैचेस लाने वाले, तो स्टे ट्यून्ड चैनल पे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।